नगर परिषद के टाउन हॉल में लगी घड़ी शुक्रवार को फिर चालू हो गई। घड़ी के चालू होते ही नगर परिषद में एक बार फिर घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। शुक्रवार सुबह नगर परिषद में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत ने उक्त घड़ी को शुरू किया। इस दौरान नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया, उप सभापति रेखव चंद खटोर, पार्षद वैद्यराज भाटी, मंगल सिंह मोनू, हंसराज शर्मा, जय करीवाल, रेखा कुमावत, अंगत राम अचमिला, त्रिलोक शर्मा, ईश्वर तंवर, मनोज राज तंवर, प्रीति शर्मा, मुनि देवी गहलोत, सुनीता भाटी, हरीश साखला, बबलू चौहान तथा नगर परिषद के कर्मचारी अशोक जादम, लोचन कमालिया आदि शामिल थे। इस दौरान परिषद प्रशासन की ओर से विधायक शंकर सिंह रावत सहित अन्य का माला पहनाकर स्वागत किया। मालूम हो कि नगर परिषद के टाउन हॉल में लगी घड़ी विगत लंबे समय से खराब पड़ी थी। उक्त घड़ी को ठीक करवाने के लिए विधायक शंकर सिंह रावत ने विधायक कोष से 7 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की। उक्त फंड से घड़ी की मरम्मत करवाई गई, जिसके बाद घड़ी एक बार फिर शुरू हुई। ज्ञात हो कि नगर परिषद की स्थापना के साथ ही भवन के ऊपर घंटाघर लगाया गया। शहरवासियों व बाहर से आने वाले लोगों को बिना घड़ी देखे ही टन टन की आवाज सही समय का आभास करवा देती थी। लंबे समय से खराब पड़ी घड़ी को विधायक कोष से स्वीकृत राशि से ठीक करवाने के करीब 3 दशक बाद एक बार फिर इस ऐतिहासिक घंटाघर की सुइयों ने गति पकड़ी। यह घड़ी 1993 में दुरुस्त करवाई, लेकिन कुछ समय बाद ही वापस खराब हो गई थी। करीब 3 दशक बाद वापस घड़ी ने अपनी चाल पकड़ी है। नगर परिषद कार्यालय की स्थापना सन 1906 में हुई, तब अंग्रेज शासन में यहाँ पर प्रशासक बैठा करते थे। भवन स्थापना के समय ही इस घंटाघर की स्थापना हुई। शहरवासी इसकी टन टन की आवाज सुनकर अपनी घड़ियों की सुइयां मिलाया करते थे। करीब 30 वर्षों से यह आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बताया जाता है कि 1971 में यह आवाज सुनाई दी, उसके बाद से बंद है। घंटे की आवाज गुम होने के साथ ही घड़ी की सुइयां भी थम गई और 23 साल तक घड़ी बंद रही। वर्ष 1993 में नगर परिषद के प्रथम प्रशासक सुवालाल ने नई चाबी शमसुद्दीन लोहार से बनवाई और इसके बाद घड़ी फिर शुरू हुई। यह भी ज्यादा लंबे समय तक सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकी। घंटा घर में 2 घड़ियाल लगे हैं। एक घड़ियाल का वजन करीब 200 किलो से अधिक है। उसको इस घंटाघर से बाहर निकालना भी आसान नहीं है। इसमें लगी मशीनों की बनावट व धातु विशेष है। करीब 125 सदी बीत जाने के बावजूद इनमें कई उपकरणों के अब तक जंग नहीं लगा है। घड़ी के रखरखाव के लिए वर्षों पूर्व ठेका भी दिया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। मशीनों के लिए लगाए गए लकड़ी के पार्ट की मजबूती भी बेमिसाल है। 1 सदी से यह मशीनों का वजन उठा रहे हैं। जो ब्यावर के ही गए जन्म में और वो विदेशों में जाते हैं और दूसरी जगहों पर भी, ऐसे कोई बोल रहा है मैं सिंगापुर जाकर के आया, कहीं मैं और दूसरी जगह जाकर के आए, विदेशों में जाकर, कोई अमेरिका जाकर के आते हैं, वो वापस आकर के या बताते हैं मैं साहब क्या काम करते हो आप, ऐसा वास्तुकार का काम करता हूँ और अमेरिका से मैं अमेरिका जाकर के आए, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ पर इंडोनेशिया है वगैरह सब देशों में जाकर के आते हैं। मैंने कहा यार इतने देशों की यात्रा करते हो और सबका भला कर रहे हो, आप ब्यावर के ही रहने वाले, हमें भी कुछ ब्यावर के लिए बारे में बताओ ना, हमें भी कुछ ब्यावर के लिए कोई उद्धार हो जाए बताओ। कह यार मेरे साहब आप भी मजाक कर रहे हो, आपके हाथ में घड़ी बंदी है ये कोई चालू रहती है या बंद घड़ी बांधते हो? जैसा बंद घड़ी तो नहीं बांधते, तो ब्यावर की घड़ी कितने वर्षों से बंद है आपको पता नहीं है? अब एक्चुअली मैंने भी ध्यान नहीं दिया, भाई ऊपर से देखा नहीं कि भाई बाकी तो आस पास में कोई साहब वो तो ये काम कराना उस काम वो करते हैं, ये रोड बाकी है उस रोड को बनाओ तो करते हैं, लेकिन घड़ी की तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो साहब ये घड़ी अशुभ होती है पहली बात तो ये, और ब्यावर के लिए उद्धार की बात करते हो तो आप कैसे उद्धार होगा? ब्यावर नगर परिषद के अंदर तंगी का देखो आप, कोई चेयरमैन 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं कर पाता है और कोई प्रकार के इसमें शुभ काम नहीं होते हैं। नगर परिषद इतनी पुरानी होकर के भी आर्थिक तंगी से हमेशा जूझती रहती है, कब बजट नहीं है, कभी कर्मचारियों का पेमेंट अटक रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो उस समय में उन्होंने ये कहा कि ये सब दोष जो है वास्तु का दोष होता है। मैंने कहा यार वास्तु का दोष कैसे होता है ये बताओ, कि इधर आओ आप अंदर ले जा करके मेरे को बताया कि ये ईशान कौन है, जिस जगह पर घर का मालिक बैठता है वो कोना है, उस कोने के अंदर आपका कबाड़ पड़ा हुआ है, तो ये कबाड़ ही ब्यावर का मालिक है। अब ब्यावर कबाड़ नहीं होगा तो क्या होगा? तो मैं भी एक तरह से उसको देख करके मां तोड़ दे तो एकदम शंका की हंसा, बाद में उनकी बातों पर कुछ विश्वास लगा।
कि प्रेरणा थे और बजट थे 7 लाख रुपए की जो हमने घड़ी थी, जो हमारे इतिहास का एक हिस्सा थी, जिसको बरकरार रखने कायम रखने के लिए आपके प्रयासों से आज वो घड़ी, जो घड़ी बंद होना अशुभ बताया जाता है, तो आज घड़ी को वापस हमने जीर्णोद्धार कराकर और जो शहरवासियों के लिए जो एक नगर परिषद की काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है उसको हमारे पुरातत्व के काम को जीवित रखने के लिए उस कड़ी में इस घड़ी का आज हमने उद्घाटन किया है और MLA साहब का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। घड़ी बंद होना अशुभ होता है, जैसे ही घड़ी चालू की घोषणा आपने की थी उसके बाद आपको पता है ब्यावर जिला बना, हमारे हॉस्पिटल के लिए विकास के कार्य आए, कई सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए मैं हमारे विधायक साहब का भाग का भी सही दिन से आभार व्यक्त